कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में हैं। कभी वो पीएम मोदी की तारीफ करने लगते हैं, कभी वो मोदी विरोधियों को लताड़ने लगते हैं, कभी संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वालों को गधा कहने लगते हैं, तो कभी पत्रकार पर ही भड़क जाते हैं। साल 2024 के चुनावों से पहले आचार्य प्रमोद की इस हलचल को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनका आगे का प्लान क्या है। खैर, इन सब के बीच अब आचार्य प्रमोद ने एक और ट्वीट कर राजस्थान कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। व्यंगात्मक तरीके से आचार्य प्रमोद ने ट्विटर पर कुछ ऐसा लिखा जिसको देखकर कांग्रेस का भी सिर चकरा जाए। दरअसल पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने आचार्य प्रमोद को टैग करते हुए लिखा, सचिन पायलट इतने खामोश क्यों है? कोई तूफान आने वाला है क्या? आचार्य प्रमोद, आचार्य प्रवर राजनीति के इस भौतिक जगत का मार्गदर्शन करें। ऐसा कहा जाता है कि आप इस मामले के भविष्यदर्शी हैं। अभिषेक के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आचार्य प्रमोद ने लिखा, समंदर कर रहा है अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में। आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट किस तरफ इशारा कर रहा है, इसी को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का एक बयान सामने आया था जिसमें उनके साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों थे। केसी वेणुगोपाल ने इस दौरान साथ चुनाव लड़ने और किसी भी तकरार के न होने की बात कबूली थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड राहुल गांधी जी हैड अ डिटेल 4 आवर लॉन्ग डिस्कशन विद अशोक गहलोत जी एंड सचिन पायलट जी एंड इंचार्ज ऑफ इन दिस डिस्कशन वी हैव डिसाइडेड टू फाइट इलेक्शन यूनाइटेडली बोथ ऑफ आर इन एग्रीमेंट दैट कांग्रेस पार्टी हैज टू गो टुगेदर एंड डेफिनेटली वी विल विन इलेक्शन इन राजस्थान because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of this thing. हालांकि अब कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है क्योंकि आचार्य प्रमोद ने राजस्थान कांग्रेस में अभी भी कलह बरकरार होने का इशारा दिया है। आपको बता दें कुछ वक्त पहले आचार्य प्रमोद ने पत्रकार चित्रा त्रिपाठी को भी लताड़ लगाई थी। दरअसल आचार्य प्रमोद के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ी हुई है। इस बहस में कहा जा रहा है कि क्या आचार्य प्रमोद साल 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस के बीच जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने आचार्य प्रमोद का इंटरव्यू किया। चित्रा ने भी आचार्य से इसी तरह का सवाल पूछ लिया था कि क्या आप पाला बदलने वाले हैं, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने कहा कि वो राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखते हैं और देशहित की बात करते हैं। आचार्य प्रमोद के इस इंटरव्यू को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने कैप्शन में लिखा था, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? चित्रा के इसी कैप्शन को देखने के बाद आचार्य प्रमोद ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, देशहित में बोलने का मतलब भाजपा ज्वाइन करना नहीं होता चित्रा जी। खैर, अब आचार्य प्रमोद से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।